अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 20 के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 का अगर हमने सॉल्व करना है और हमारी इसके साथ साथ एक्सरसाइज 3.3 भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज 3.4 की तरफ चलेंगे। एक नया टॉपिक आपके क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा इसमें जो टॉपिक था आपके पास क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था। और अगर आप लोग एक्सरसाइज 3.3 अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन यूज की गई है, क्लियर होगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरह हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कहता है, ये कौन सी टेक्निक है आपके पास, x+2 / √x + कितनी आपके पास 3। अब ये आपके पास कौन सी टेक्निक है, इम्प्रॉपर फॉर्म है। एक्स की पावर भी 1 है, ऊपर भी एक्स की पावर कितनी है 1 है। मैंने आपको बताया था फिफ्थ टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन है, जिसको हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर क्या किया, स्टडी किया होगा। तो हमने बताया हुआ कि जब x+2 / √ कितना x+3 जब आपके पास कोई इम्प्रॉपर फॉर्म आ जाएगी, तो आपने क्या करना है, जो नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में जो भी कांस्टेंट होगा आपने वो ऊपर ऐड भी कर देना और सब्ट्रैक्ट भी कर देना। नीचे जो कांस्टेंट होगा आपने ऊपर ऐड भी कर देना और सब्ट्रैक्ट भी कर देना। अब x+3 सेपरेट कर दे, 3 में चेंज जाएगा तो -1 / क्या आ जाएगा, x+3। इसको मैंने सेपरेट क्यों किया मैं बताता हूँ आपको। ये आप क्या करते हैं, x+3 √ क्या करते हैं, x+3 माइनस dx हो गया, -1 / क्या करते हैं, x+3। अब हमारी क्या हो गई, इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान हो गई है, पॉसिबल हो गई है। अब इसको 2 टाइम करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, x+3 dx माइनस, अब ये x+3 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -1/2 एंड dx हो जाएगा। ले लो स्टूडेंट, तो बहुत ही आसान टेक्निक है, बहुत ही आसान का क्वेश्चन है। जस्ट आपने क्या किया, ये एक इम्प्रॉपर फॉर्म थी, इम्प्रॉपर फॉर्म जब भी आ जाएगी तो नीचे जो भी कांस्टेंट होगा ऊपर आपने ऐड भी कर देना और सब्ट्रैक्ट भी कर देना। फिर आपने उसको इस तरह से सेपरेट करना है कि आपके पास नीचे वाली फॉर्म बन जाए। जैसे मैंने क्या किया, x+3 किया, और इसका फिर क्या करते हैं, एलसीएम दोनों का अलग अलग कर दें। ये चीज आपकी क्या होगी, कैंसिल। कैसे कैंसिल होगी, कि हम x+3 इसको x+3 2 टाइम कर सकते हैं, किसको, x+3 को, ठीक हो गया। अब एक अंडर रूट बटे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास क्या रहेगा, अंडर रूट x+3 रहेगा। अब इस फॉर्म को हमको ऊपर ले गए हैं, अंडर रूट की पावर क्या होती है, 1/2 के इक्वल होती है, तो आपने क्या कर दिया स्टूडेंट, उसको नीचे तक ऊपर जाके माइनस कर दिया। तो अब यहाँ पे इसको कम्प्लीट सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या इसका आंसर बनेगा, कि ये चीज बन जाएगी आपके पास x+3 1/2 और क्या आ गया, dx माइनस, ये आपके पास x+3 -1/2 और क्या आ गया, dx आ गया आपके पास। अब ये सिंपल सी टेक्निक बन गई है, सेकंड टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन बन गई है, कि आपने क्या किया, इसकी पावर में एक ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। क्यों किया, क्योंकि पहले फंक्शन आगे बेस का डेरिवेटिव मौजूद है 1, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहले फंक्शन आगे बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उसी पावर को हम क्या करते हैं, ऐसे ही राइट करते हैं। आपको स्टूडेंट, तो x+3 होल पावर क्या बन जाएगा, 3/2, नीचे भी क्या आ जाएगा, 3/2 माइनस x+3 आ जाएगा 1/2, ये भी आ गया 1/2 प्लस क्या आ गया c, तो ये आंसर बन जाएगा 2/3 x+3 होल पावर 3/2 माइनस 2 x+3 आ गया जी 1/2 प्लस क्या आ गया c। तो क्वेश्चन आपके पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, जैसा आपने क्या करना है, टेक्निक को जानना और उस टेक्निक को यूज करते हुए अपने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को क्या करना, आपने सॉल्व कर लेना। क्लियर हो गया स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 बिल्कुल सेम मेथड से हैं, ठीक हो गया। पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को नोट करेंगे, देन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं, अंडर रूट 2 / sin x + cos x और dx आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट, तो इसको हमने यूज करना है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है एक दफा आपका, तो आपने सॉल्व करना है इसको जी, अंडर रूट 2 / sin x + cos x, ये आपके पास आ गया dx। तो आपने क्या करना स्टूडेंट, हम इसको राइट कर सकते हैं sin x + cos x, बटे का ये बटे में क्या आ जाएगा, अंडर रूट थर्ड प्लेस वाली कहाँ चली जाती है, फर्स्ट प्लेस पे, तो मैंने इसको क्या कर लिया, इस तरह राइट कर लिया। अब जरा गौर कीजिएगा, एलसीएम क्या दोनों का सेम है, हम क्या कर लेते हैं, उसको भी मजीद सेपरेट कर लेते हैं, उसको भी मजीद क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अब ऊपर क्या कर देते हैं, डीएस, ठीक हो गया।
अब जरा गौर कीजिएगा, हम इसको मजीद इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, 1 बाय अंडर रूट 2 sin x प्लस 1 बाय अंडर रूट 2 cos x आपके पास ठीक हो गया। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनको सम करें तो आंसर कितना आना चाहिए 90 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर आपकी वैल्यू क्या देता सेम sin 45 कितना होता 1 बाय अंडर रूट 2 cos 45 कितना होता 1 बाय अंडर रूट 2 आपके पास ठीक हो गया। तो आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दें और इन दोनों एंगल को सम करें तो आंसर कितना आता है आपके पास 90 डिग्री आता है ठीक हो गया। तो इसको जब रेडियन में लेके जाएंगे sin pi / 4 अब ये फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, साइन अल्फा cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta किसके बराबर होता है आपके पास dx divided by cos alpha minus beta cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta किसके बराबर होता है cos alpha minus beta के इक्वल होता है। तो ये किसका उल्टा होता है secant का x minus pi by 4 क्या आ गया dx आ गया। अब secant की इंटीग्रेशन क्या होती है natural log of secant x minus pi by 4 plus साइन किसका उल्टा होता है आपके पास dx cosecant
x प्लस y बाय 3 साथ में क्या है dx। अब cosecant x की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ cosecant x प्लस y बाय 3 माइनस cot x x प्लस y बाय 3 और साथ में क्या आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट c आ जाएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट, तो आप इसको दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने वहां पे 30 वाली पुट करनी है या 60 वाली पुट करनी है। क्लियर होगा, क्यों जब इन दोनों का सम करते हैं तो आंसर कितना आता है 90 डिग्री, बिकॉज ऑफ ट्रायंगल के कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, तो इन एंगल पे क्या होती है इनकी वैल्यू सेम होती है। क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारा क्या हो गया कंप्लीट सॉल्व हो गया, और हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 भी क्या हो गया कंप्लीट सॉल्व हो गया। सिर्फ अब आप लोगों ने क्या करना है प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है, ठीक हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे, उसका जो टॉपिक होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास है। जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने उसके इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है। क्लियर होगा स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर के अंदर मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के मान आसमान।